AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया। ओवैसी ने हैदराबाद जिले के वट्टेपल्ली में अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। चलिए आपको बताते हैं कि ओवैसी के परिवार में आखिर कौन कौन है। AIMIM चीफ ओवैसी हैदराबाद की बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। 11 दिसंबर 1996 को ओवैसी की शादी फरहीन ओवैसी के साथ हुई। दोनों के 6 बच्चे हैं। बच्चों में एक बेटा और 5 बेटियां हैं। बेटे का नाम सुल्तानुद्दीन ओवैसी है। 5 बेटियों का नाम खुदसिया ओवैसी, यास्मीन ओवैसी, अमीना ओवैसी, महीन ओवैसी और अतिका ओवैसी है। 24 मार्च 2018 को ओवैसी की सबसे बड़ी बेटी खुदसिया ओवैसी की सगाई हुई थी। नवाब शाह आलम खान और मोइनुद्दीन खान संदोजई के पोते बरकत आलम खान से उनका रिश्ता जुड़ा था। सितंबर 2020 में द सियासत डेली के संपादक जाहिद अली खान के चचेरे भाई चिकित्सक मजहर अली खान के बेटे आबिद अली खान से उनकी दूसरी बेटी यास्मीन ओवैसी की शादी हुई थी। तीसरी बेटी की शादी हाल ही में जिशान अहमद के बेटे मिर्जा फैद अहमद बेग के साथ शास्त्रीपुरम में हुई थी। गौरतलब है ओवैसी AIMIM के तीसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पहले उनके पिता और दादा इस पार्टी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। AIMIM मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाती है। ओवैसी के दादा का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी था। उन्होंने 18 सितंबर 1957 को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के रूप में मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन को फिर से शुरू किया था। बाद में दादा के नक्शे कदम पर चलते हुए ओवैसी ने सियासत में कदम रखा। 1994 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से असदुद्दीन ओवैसी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार को 40,000 के अधिक वोटों से हरा दिया। चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र से उनकी पार्टी 1967 से लगातार चुनाव में जीत हासिल कर रही थी। 1999 के चुनाव में उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी TDP के उम्मीदवार सैयद शाह नूरुल हक कादरी को 93,000 के वोटों के अंतर से हराया। चुनाव में ओवैसी के खाते में कुल 1,26,000 वोट मिले थे। आज के समय में ओवैसी मुसलमानों के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। देश दुनिया में उनकी लोकप्रियता है। लगातार वे मुसलमानों की आवाज उठाते हैं। इसके अलावा केंद्र की BJP सरकार पर लगातार निशाना भी साधते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।